बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में वेलकम। आज हम सीखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में बटन के बारे में कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में एक बटन कैसे बना सकते हैं और इसका क्लिक हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, जब कोई इस पर क्लिक करता है तो ये कैसे काम करता है, तो आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, फाइल न्यू, और यहाँ पे मैं ये न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ टेम्पलेट है, ये है न्यू एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी। हम ये एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन बाकियों का मतलब मैं आपको समझाऊँ। न्यू एक्टिविटी मतलब आपके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा लेकिन उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और बेसिक एक्टिविटी, इसमें बेसिक ये बैक बटन, ये मेनू और ये फ्लोटिंग बटन वगैरह होंगे बेसिक एक्टिविटी में, जब एक्टिविटी बन जाएगी, एक स्क्रीन बन जाएगी। और ये बॉटम नेविगेशन में आपके पास यहाँ बॉटम पे नेविगेशन होगी और ये मेनू और ये बैक बटन होगा। लेकिन हमारे पास एम्प्टी एक्टिविटी में कुछ भी नहीं होता, आपके पास सिर्फ ये एक्शन बार होता है। तो मैं क्लिक नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं बटन डेमो इस प्रोजेक्ट को नाम देता हूँ। और फिर यहाँ पे लैंग्वेज हमारे पास जावा होगी और मैं फिनिश कर देता हूँ। एंड्रॉयड के बारे में मैं इंग्लिश में एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, ये इस वीडियो के एंड पे आपको इंग्लिश प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगा। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास ग्रेडल बिल्ड हो रहा है प्रोजेक्ट, ये कुछ टाइम लेगा बिल्ड होने में। तब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक करें क्योंकि, और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, लेकिन लाइक ज़रूरी है क्योंकि इससे वीडियो की रैंकिंग बेहतर हो जाती है और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। अब ये हमारे पास एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बन चुका है, ये हमारे पास मेन डायरेक्टरी है, ये ऐप, ये मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट में ये मैनिफेस्ट फाइल होता है, इसमें हमारी सेटिंग वगैरह होती है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अभी इसका कोई अमल दखल नहीं है यहाँ पे। तो हम जाएंगे जावा फाइल में, जावा में ये जो मैन एक्टिविटी है इसमें हम काम करेंगे, और ये रिसोर्सेस फाइल में आएंगे, और ये लेआउट फोल्डर जो है अभी हमारा इसमें काम है, इस एक्टिविटी मैन डॉट एक्सएमएल में हम काम करेंगे। तो हम इस एक्टिविटी मैन डॉट एक्सएमएल पर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट हो सकते हैं, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो हमारे पास लीनियर भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक, अगर मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ड यहाँ पे है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें एक हेलो वर्ड है। ये अगर मैं कोड पे जाऊं तो ये टेक्स्ट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ड लिखा हुआ है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, और अगर हम इसको देखें तो टॉप पे कंस्ट्रेंट लेआउट है और नीचे कंस्ट्रेंट लेआउट की क्लोजिंग है। अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, तो बटन के लिए हमारे पास ये टैग यूज होता है, बटन टैग। फिर इसमें हमारे पास विड्थ होती है और हाइट होती है, यानी आप बटन की विड्थ कितना रखना चाहते हैं या बटन की हाइट कितना रखना चाहते हैं। ये रैप कंटेंट और मैच पेरेंट इसमें बाय डिफॉल्ट होते हैं। अगर आप रैप कंटेंट करें तो आप जितना हम टेक्स्ट लिखेंगे बटन पे बस उसी तक वो बटन बन जाएगा, और अगर आप मैच पेरेंट करते हैं तो ये जो मेन लेआउट है इस तक अपने आप को एक्सपेंड यानी फैलाएगा। नाउ यहाँ पे हम इसको एक स्टैटिक विड्थ देते हैं 200 dpi का। डीपी का मतलब है डेंसिटी पिक्सल, और यहाँ पे इसको हाइट देते हैं 50 dpi का, और इसको क्लोज करते हैं।
फिर मैं यहाँ पर डिज़ाइन में आ जाऊँगा। ये बटन मुझे कुछ एरर शो कर रहा है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये मुझे बता रहा है कि आपने इस बटन को कोई कंस्ट्रेंट नहीं दी है, तो इसलिए ये 0-0 पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे आके, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 0-0 पे चला गया। मैं इसको यहाँ पे कंस्ट्रेंट देता हूँ, मैं यहाँ से पेन कर देता हूँ, यहाँ से भी पेन कर देता हूँ, यहाँ से भी पेन कर देता हूँ, और मैं फिर इसको थोड़ा सा दरमियान में ड्रैग कर देता हूँ। ये ड्रैग नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से ये 0 ले रहा है, तो मैं यहाँ से भी इसको 2-11 दे देता हूँ। अभी इसने नहीं लिया ये, अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ दरमियान में, तो ये दरमियान में हमारे पास आ गया। नाउ अगर मैं जाऊँ कोड में तो ये एरर गायब हो जाएगा और ये सारे जो कंस्ट्रेंट है ये यूज हो गए। आप डिज़ाइनर से भी बना सकते हैं, बटन और कोड से भी बना सकते हैं। हम अब इसको एक आईडी देंगे, BTN मैंने इसको आईडी दी, क्योंकि इस आईडी के जरिए हम इसको कनेक्ट करेंगे जावा बटन से। और यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट देता हूँ जो इस पे अपियर होगा, यानी इस पे लिखा जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक मी और ये साइन। अब मैं अगर डिज़ाइन में जाता हूँ और आपको ये बटन दिखाता हूँ, तो इस पे लिखा हुआ है क्लिक मी। अब एक्टिविटी मैन अंडरस्कोर मैन डॉट एग्जामिन में हमारा काम ख़त्म हो चुका है, तो हम जाएंगे जावा में इस फोल्डर में और इसमें ये मैन एक्टिविटी पे। अब हमें कनेक्ट करना है, यहाँ पे मैं पहले एक जावा बटन डिक्लेयर कर देता हूँ, बटन और ये बटन। ये अब मुझे एरर देगा क्योंकि इसका एक बिल्टन क्लास है जिसको मैंने इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पे मुझे बता भी रहा है कि आप अल्ट एंटर क्लिक करें, तो मैं अल्ट एंटर कर देता हूँ, तो ये बटन की जो बिल्टन क्लास है ये वाली इंपोर्ट हो गई। नाउ यह पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा उस एक्सएमएल बटन से, बटन इज इक्वल टू बटन, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कनेक्ट मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं उसकी आईडी के जरिए, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट BTN, हमने वहाँ पे आईडी दी थी तो ये BTN। अब इसको कास्ट करना कहते हैं जब ये ब्रैकेट के अंदर हमने बटन यूज की है। ये आईडी हमारे पास यहाँ तक, ये हमारे पास वो उस XML बटन को जाहिर करती है, तो यहाँ पे हमने इसको कास्ट किया जावा बटन में। नाउ इसके बाद हम इसका क्लिक इवेंट इस पे ऐड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, बटन डॉट सिट ऑन क्लिक, यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे आ गया, ऑन क्लिक लिस्नर, सिट ऑन क्लिक लिस्नर, तो यहाँ पे ये लगेगा न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, और ये हमारे लिए खुद ब खुद वो मेथड बनाएगा ऑन क्लिक। तो ये हमारे पास इस पे बटन ऑन सेट क्लिक, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर ऐड हो गया इस बटन पे। अब इस बटन पे अगर कोई टैप करेगा, कोई इसको क्लिक करेगा, तो यहाँ पे इस मेथड के अंदर जो कुछ भी लिखा गया हो, जो भी कोड, वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक लॉग शो कर देता हूँ, लॉग डॉट ई डॉट ई, और यहाँ पे मैं देता हूँ बटन इज
और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक दूसरा, ये हमारे पास टैग हो गया। और यहाँ पे मैं देता हूँ बटन इज क्लिक्ड बाय मी, और मैं इसको सेमीकॉलन करता हूँ। अब हम रन करेंगे इसको और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। नाउ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ अपना सैमसंग SM9005 कनेक्ट किया है। अब मैं रन कर देता हूँ इसको, ये आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन। ये कुछ टाइम लेगा रन होने में। अब ये रन हो रहा है हमारे पास डिवाइस पे। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, और चूंकि हमने ये लॉग शो किया है तो मैं यहाँ पे लॉग कैट में, आप लॉग देख सकते हैं लॉग कैट में, और यहाँ पे लॉग डॉट ई है, तो इसका मतलब है एरर। इसमें हम चेक करेंगे, और यहाँ पे मैंने लिखा था बटन, तो आप देख सकते हैं ये टैग है, तो टैग के जरिए मैं इसको लॉग में सर्च कर सकता हूँ। बटन इज, तो मेरे पास सिर्फ ये लॉग बच गया, बाकी लॉग खत्म हो गए। नाउ यहाँ पे ये लिखा है बटन इज क्लिक बाय मी, और यहाँ पे ये मैसेज हमने शो किया। तो आज हमने एक बटन एंड्रॉयड स्टूडियो में एक बटन क्रिएट करना और एक बटन पे क्लिक लिसनर ऐड करना सीख लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आप क्या सीखना चाहते हैं। अगर आप कहीं आपको कहीं पे मुश्किल या दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में वो कर सकते हैं, और मैं उस पे आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।